नहीं हुआ था कि अंग्रेजों ने उनकी कूद कूद के मदद कर दी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो मैं कह रहा था वो भी अपने आप में किसी प्रकार का लेसन है, सर पार्टीशन ऑफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 से स्टार्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस में तो फर्दर इसका हाँ, इंडिपेंडेंस में आप पार्टीशन। सेकंड टाइम कह सकते हो कि दूसरा डिवीजन है, इट इज सेकंड जो है, सेकंड डिवीजन है। जो फर्स्ट तो जो है आपका 1905 में, जिसको हम कहते हैं वो हो चुका है, 1905 पहली बार हुआ। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो यानी पॉइंट ये है कि बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, और इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन। एक शब्द होता है टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन। टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जी, कहाँ हो रहा है, बंगाल प्रेसिडेंसी में। टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है बंगाल प्रेसिडेंसी में हो रहा है, ठीक है जी। सबसे पहली बात, अब सोचने वाली बात क्या है कि जो इसके कारण है होने के, वो बड़े अलग अलग हैं, वो अलग अलग हैं। हम कुछ और सोचेंगे, हम मतलब अंग्रेज का और कुछ और एंगल है बताएंगे वो कुछ और। तो सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन मतलब रियो जो जो रियोर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से है कि जो ईस्ट जो बंगाल है, यानी ईस्टर्न एरियाज हैं जो, वो मुस्लिम हैं, और जो वेस्टर्न एरियाज हैं वो हिंदू हैं। एक इन जनरल अगर हम बात करें तो ईस्टर्न बंगाल जो है वो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम मुस्लिम उसमें ज्यादा है, और वेस्टर्न में आपके जो हैं वो हिंदू ज्यादा हैं। यू नो दैट इज हाउ द डिवीजन इज देयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। नाउ पहली बार कब बोला गया, पहली बार बोला गया 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, 19 जुलाई, ये डेट याद रखने वाली है, ठीक है, अब ये डेट याद होनी चाहिए। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने अनाउंस किया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। उसने अनाउंस किया 19 जुलाई 1905 को कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेड कब हुआ ये, इम्प्लीमेंटेड हुआ 16 अक्टूबर 1905। अरे मैंने कल कहा था रोहित और सबको कि तुम अपने कमेंट लिखोगे, रोहित दिए तूने मैडम को, सर मैंने कल क्लास ही रोहित मतलब सर क्लास लास्ट राजीव, क्या आज से सब लोग क्लास खत्म होने के बाद मैडम को भेजो, मुझे एक ओवरव्यू चाहिए 5 लाइन का। सबको सबको बोल दिया मैंने, सचिन जी यस सर। आप ही भेजोगे आज से। फिर मीन्स की क्या ओवरव्यू मतलब अपने विचार अपने शब्दों में कि क्या हुआ आज, हमने किया क्या, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, क्या हुआ, जो भी हुआ जो दिमाग में आता है लिख दो। राहुल जी, दीपिका जी, कोमल, खुशबू जी, ठीक है जी। सर फिर तो वो फैक्चुअल पॉइंटर्स बन यस सर। जाएंगे सर नहीं वहां से नहीं हम लोग। मुझे कोई हिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे हिस्ट्री मत लिख के देना, यस सर। मुझे जो पल्ले पड़ा कि मेरी समझ में क्या आया, फैक्ट नहीं चाहिए कि बंगाल को ये हुआ और बंगाल को ये हुआ, ये नहीं चाहिए मुझे। ये तो है ही तुम्हारे पास, वो तो तुम गूगल करके कट पेस्ट करके भी बता दोगे, पल्ले क्या पड़ा क्या। नोट भी लेंगे हम आप जैसे बोल रहे हो फिर क्या मतलब किस तरह से आइडियोलॉजी डेवलप करनी आप सभी। चार, हाँ वही वही जो आपने आइडियोलॉजी वाली भी बात की थी वैसे ही समझ लो, मतलब एनालिसिस दे दो 4 शब्दों में कि आज का मैंने ये चीज पकड़ी, मेरे हिसाब से मैं उसी हिसाब से आपको जज करूंगा सबको, ठीक है। पहले ओके सर बोलना सीखते हैं तो बोलना सीख रहे हो, फिर लिखना भी सीखना है ना, अब बोलना सीख रहे हो तो लिखना भी सीखो। तो जी कर्जन ने इसको इम्प्लीमेंट किया 16 अक्टूबर 1905 को, विद इन आप कह लो कि जुलाई में बोला, अगस्त सितंबर अक्टूबर, विद इन 3 मंथ्स कर दिया। और 1911 तक, 1911 में ये अंडन भी हो गया 6 साल के अंदर अंदर, 6 साल के अंदर अंदर। एंड जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो एनल हो गया, एनल्ड यानी उसका वापस से स्वरूप जो है बदल दिया गया। 1911 में क्या किया गया, बंगाल एक तरफ कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा उनको अलग से दो प्रोविंसेस बना दिए गए।
ठीक है, ये 1919 के बाद होंगे बिहार और उड़ीसा, लेकिन बंगाल का मतलब विभाजन वापस कर दिया जाएगा। अब जो हिंदू थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये कंप्लेन की कि डिवीजन होने से क्या होगा, डिवीजन होने से क्या हो जाएगा, जो बंगाल है, जो हिंदूज हैं वेस्ट बंगाल में, उनका कहना था डिवीजन अगर करोगे कर्दन जैसा चाह रहा है तो उससे क्या होगा, हम बंगाल में माइनॉरिटी हो जाएंगे, बंगालीज विल बिकम माइनॉरिटी विद इन बंगाल, बंगालीज विल बिकम माइनॉरिटी इन बंगाल बिकॉज दे आर स्पीकिंग बंगाली, बट यू हैव टू मोर ग्रुप्स दैट इज हिंदू एंड उड़िया स्पीकिंग पीपल दैट इज इन बिहार एंड उड़ीसा, सो दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट वी विल बिकम माइनॉरिटी इन बंगाल, गॉट इट, वी विल बिकम माइनॉरिटी इन बंगाल, दैट इज वाई दे वर अगेंस्ट इट। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ वट, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पहली बात, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन ए ग्रेट मैनर। What British were suggesting? That no, 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 this is not divide and rule. This is administrative efficiency. This is administrative efficiency. That is how it is going to happen. This is administrative efficiency. So Bengal presidency thi kya? Bengal presidency composed of Bengal, Bihar, Odisha, parts of Chhattisgarh and Assam. Ye sara to Bengal tha wo aapka. बिहार से कुछ एरिया जुड़ा हुआ, कुछ उड़ीसा से, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ ऐसा सारा मिला के। पॉपुलेशन कितनी थी एट दैट टाइम? पॉपुलेशन वाज 5। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी काफी। 78.5। आपकी को भी ऐसा लग रहा है? यस सर। कुलदीप सर, यस सर, ब्रेक हो रही है यार? मेरे पास तो सब कुछ सेट है यार, पता नहीं सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है तो क्या करें, मेरे तो यार यहाँ से तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब ठीक है सर, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है सर। टेक्नोलॉजी है यार, अब होनी तो नहीं चाहिए। मैंने स्पीकर्स और वो सब तो फुल एकदम है। अब ठीक सर, सर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बाद जो ये 78.5 मिलियन, ये क्या सर पॉपुलेशन है? बंगाल की, बंगाल प्रेसिडेंसी की पॉपुलेशन है ये, और लार्जेस्ट प्रोविंस है ये, लार्जेस्ट प्रोविंस भी है और 78.5 मिलियन पॉपुलेशन भी है, यानी कितने करोड़ हो गई? करो कितने, हाँ कितना बोला राजीव? 7 करोड़। 7 करोड़ 85 लाख। हाँ यस सर, मतलब पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के हिसाब से बंगाल वाज ऑलवेज ह्यूज, एंड दैट इज हाउ, रिमेंबर प्लासी, रिमेंबर सिराजुद्दौला, कि क्यों बंगाल को पहले पकड़ा गया था। सो देयरफॉर कर्जन डिसाइडेड दैट देयर मस्ट बी अ स्प्लिट, ओके, देयर मस्ट बी अ स्प्लिट, एंड ही वांटेड टू ज्वाइन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल विद असम। ईस्ट बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो चाहता था कि मैं किससे जोड़ दूं, आसाम से जोड़ दूं, यू नो कर्जन वांटेड टू ज्वाइन विद आसाम, ओके। अब ईस्टर्न प्रोविंस यानी जिसकी, जो बंगाल की और जो बात कर रहे हैं ईस्टर्न प्रोविंस की, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? उसकी पॉपुलेशन थी मान लो अबाउट 30 मिलियन। ईस्ट की, ईस्टर्न जो ईस्ट है जो, उसकी पॉपुलेशन है 30 मिलियन, यानी 3 करोड़, और मोस्टली क्या है उसमें, मुस्लिम्स हैं, और उसका सेंटर क्या है, ढाका, उसका सेंटर है ढाका, समझे? तो गोल ये था, एक बार पार्टीशन हो जाएगा तो एक नया प्रोविंस बन जाएगा विद मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन द ईस्ट,
और इधर से जो है बंगाली डिवाइड हो जाएंगे, हिंदू और मुसलमान डिवीजन हो ना हो बंगाली जरूर डिवाइड हो जाएंगे, उड़िया और बिहारी मिलके ठीक है दे विल बी हिंदूज बट देन हेयर बंगालीज विल बी इन माइनॉरिटीज। और जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके साथ हम जोड़ देंगे उड़ीसा और बिहार को जो मैं बता रहा हूं आपको। तो यूनियन हो गया किसका, वेस्ट बंगाल का यूनियन हो गया उड़ीसा और बिहार के साथ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बिहारी स्पीकिंग पीपल हो जाएंगे कम, वो माइनॉरिटी बन जाएगी, वहां से जो है मुस्लिम जो है वो हो जाएंगे वहां पे मेजॉरिटी। तो इसीलिए मुस्लिम लीडर्स लाइक नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका दे सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेयर एज हिंदूज विल अपोज इट। ठीक है जी, हिंदूज आर गोइंग टू अपोज इट। बात समझ में आई मेरी? अब पार्टीशन क्या है, पार्टीशन है कि इंग्लिश एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है बंगाल में, दे वर ऑब्वियसली नोइंग कि इससे हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। पार्टीशन से पहले ही जो है दे वर ऑलरेडी मेकिंग अरेंजमेंट्स, वो बात करते थे कि भाई किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे जानी चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी सजेस्ट किया था कि बंगाल का पार्टीशन करो, पर बंगाल का पार्टीशन करो आप कैसे करोगे, आप नॉन बंगाली स्टेट्स को हटा दो, नॉन बंगाली स्टेट्स को हटा दो। और ब्रिटिश क्या चाह रहा है, ब्रिटिश नॉन बंगाली स्टेट्स को हटाने की जगह वो उसके अंदर वो कर रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो नॉन बंगाली स्टेट्स को उसके अंदर कर रहा है। बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पिटिशंस डाले, जब पिटिशंस पे कुछ नहीं हुआ तो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बॉयकॉट कि हम बॉयकॉट करेंगे भाई। हम करेंगे बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। लेकिन बॉयकॉट की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, स्वदेशी वर्ड यूज किया। और बॉयकॉट को कौन लीड कर रहा था, बॉयकॉट वाज लेड बाय मॉडरेट्स। बॉयकॉट को शब्द को कौन यूज कर रहा है, मॉडरेट्स यूज कर रहे हैं। और वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वो स्वदेशी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। लेकिन जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ, तो 1874 में असम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। अब आवाज आ रही है कि अभी भी ब्रेक हो रही है सर, अभी क्लियर है, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, अभी भी हो रही है ब्रेक? नहीं yes, सर 1874 से पहले ब्रेक हो रही थी, अब सही है सर। कमाल है। अच्छा रोज तो ऐसा नहीं होता? नो सर, आज ही अलग है सर। वो आज मैडम ने पता नहीं क्या किया है यार आपके वहां से, आज दिक्कत हो रही है सर। उन्होंने चेंज ही नहीं करना चाहिए था उनको, उन्होंने पता नहीं क्या किया सर। इसमें टाइम गलत दिखा रहा था सर, आज क्लास का टाइम दिखा रहा था 4:15 का सर। उससे क्या हुआ, कभी शुरू कर दो इसको, तो 4:15 का लिखा जाए तो उससे पहले शुरू नहीं हो सकती सर। मैंने क्लिक किया था, नहीं हो रहा था सर, उन्होंने बोला 4:15 पे ही क्लिक करना, मतलब 4:15 पे ही लाइव होगी। अदर एनीवेज, तो भाई 1874 में असम हो गया अलग बंगाल से, ठीक है, असम को अलग कर दिया गया और उसको बना दिया गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, एक टर्म होता है जो हमने पहले भी यूज किया था। एक टर्म होता है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, हमने जो पहले भी यूज किया है। साथ में इसमें क्या मिला दिया गया बाद में, साउथ लुशाई हिल्स।
साउथ लुशाई हिल्स, साउथ लुशाई हिल्स उसमें ऐड कर दिए गए। ओके, और जो साउथ लुशाई हिल ऐड किया असम से, तो उससे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। अब 1904 में कर्जन ने ये बातें दोबारा उठाई जो हमने अभी बात की, एंड ही वांटेड टू डिवाइड द बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी आनी चाहिए। ओके, कर्जन वांटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल प्रोविंस, और वो जो है इस बात के लिए एकदम अड़िग था। बट द रीऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन डन ऑन द लाइंस ऑफ लैंग्वेज, कांग्रेस वांटेड लिंग्विस्टिक डिवीजन। कांग्रेस वांटेड लिंग्विस्टिक डिवीजन रादर देन डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो कर्जन और जो उनके एडवाइजर थे जैसे एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर के नाम की एक फ्रेजर कमीशन भी बना, पीटी में आ सकता है उसका नाम, यू नो एंड्रयू फ्रेजर। तो पुलिस कमीशन एक अपॉइंट हुआ था 1902 में, पुलिस कमीशन इन द नेम ऑफ एंड्रयू फ्रेजर। इट वॉन्टेड डिसिप्लिन, मोर डिसिप्लिन इन द पुलिस। इट वॉन्टेड सर्टेन काइंड ऑफ यू नो करप्ट और जो भी ऑपरेसिव एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जाए। इट वॉन्टेड की सैलरीज पुलिस की बढ़ाई जाए ताकि करप्शन थोड़ा कम हो। इट वॉन्टेड की ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाए। इट वॉन्टेड की प्रोविंशियल पुलिस सर्विस बनाई जाए। प्रोविंशियल पुलिस सर्विस बनाई जाए। इट वांटेड कि एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसको कहा जाता था सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीजें होती थी। तो एंड्रयू फ्रेजर उनके एक एडवाइजर थे। और एक और आदमी बड़े इंपॉर्टेंट है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, एच एच रिस्ली, होम सेक्रेटरी जो थे, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन्होंने डिसाइड किया था कि बंगाल प्रॉपर को डिवाइड करेंगे, हम बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे रिलीजियस लाइंस के ऊपर। एक हो गया आपका बंगाली स्पीकिंग पीपल इधर, एक हो गया आपके स्पीकिंग इधर। तो नेचुरली इससे मोटिव ये होगा कि जो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज हो रही है बंगाल में। जी बोलिए रोहित सर। अभी आपने जब ये होम सेक्रेटरी के बाद समझ में नहीं आया सर कुछ भी, वो बात पूरा होम सेक्रेटरी के बाद मैंने क्या बोला, होम सेक्रेटरी के बाद मैंने यही बोला कि भाई वो चाहते थे कि बंगाल प्रॉपर जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हो गया बंगाली बोलने वाले बंगाली, एक हो गया बंगाली बोलने वाले बंगाली, लेकिन दोनों डिवाइड हो गए, बंगाल डिवाइड हो गया, दोनों तरफ बंगाली ही बोल रहे हैं। जो हिंदू हैं वही बंगाली बोलेंगे, जो इस्लामिक पीपल जो मुस्लिम्स हैं वही बंगाली बोलेंगे, लेकिन जो हिंदू बोलने वाले बंगाली उनके साथ जोड़ दिया गया बिहारी और उड़िया को भी, तो बंगाली अपने आप माइनॉरिटी हो गया। बात समझ में आई? यस सर। हेलो। हाँ, तो नेशनलिज्म को दबाना था क्योंकि बंगाल केंद्र था नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज का। अभी तक हम देख चुके हैं बंगाल जो है केंद्र है, चाहे फिर वो नील दर्पण है, चाहे फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर है, चाहे फिर वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, चाहे फिर वो मित्र मेला है, चाहे फिर वो जो है आपका अरविंदो घोष है, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद है, ये सारे लोगों ने मिलकर जो बंगाल का रिसर्जेंस किया, जो सोशल रिफॉर्म्स और जो नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी जो उसकी जुड़ के आई, जो सोशल रिफॉर्म ने भी जो नेशनलिज्म को प्रमोट किया ब्रह्मो समाज के जमाने से लेकर, उन सब की वजह से बंगाल बन गया है केंद्र। क्या केंद्र बन गया है? तो रिस्ली ने क्या कहा, रिस्ली जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड
will pull itself in different ways. Bengal united is power, Bengal divided will pull itself in different ways. Therefore, अगर बंगाल को हमने डिवाइड कर दिया तो उससे जो है हमारी नेशनल मूवमेंट तितर बितर हो जाएगी। अब एक और एंगल भी था, इसका ये एंगल तो था ही, इकोनॉमिक डिवीजन करने का भी एंगल था। अब क्या होता है इकोनॉमिक डिवीजन? इकोनॉमिक डिवीजन मींस कि जो हिंदू थे वो लॉयर थे, जमींदार थे, एजुकेटेड थे, सिविल सर्विसेज में भी थे, और मुस्लिम्स क्या थे? मेनली मुस्लिम्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट्स। ठीक है ना जी, मुस्लिम क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था माय डियर कि आप जब बंगाल को देखते थे समय से, तो जो मनी था, जो मनी मनी है, एक्सपोर्ट है, एरिस्टोक्रेटिक है। क्या बोल रहे हो सर? वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बताया। शांति रखो ना एक सेकंड के लिए, तुम अगर बाद में भी सुनोगे तो दोबारा आएगा, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं। मुझसे पूछा गया कि बंगाल में ऐसा क्यों है कि मुस्लिम एग्रीकल्चरिस्ट हैं और रिच क्लास अभी जमींदार की जो है वो हिंदू है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक बार सिराजु यानी कि जब ब्रिटिश बंगाल में जब प्रोविंस था और जब रूलिंग पावर भी मुस्लिम थी, इस्लामिक रूल, एक इस्लामिक मतलब वो आइडेंटिटी को मानते थे, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं था, लेकिन रूलर्स मुस्लिम थे जैसे हिंदू, लेकिन उनकी एरिस्टोक्रेसी, उनकी नोबिलिटी मैक्सिमम हिंदू थी। पूरा जो कारोबार था वो भी हिंदुओं के हाथ में था उस समय भी। तो कारोबार जो हिंदुओं के हाथ में, जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों के बाद पावर शिफ्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो है ज्यादा किसके ज्यादा प्रेशर किस पे आएगा? ज्यादा प्रेशर रूलिंग पावर के ऊपर आएगा, वो तितर बितर हो गई। हिंदूज भी ऑब्वियसली उनको बहुत जबरदस्त इंपैक्ट हुआ, लेकिन दे वर हैविंग मोर एजुकेशन, दे वर हैविंग मोर रिसोर्सेज, दैट इज व्हाई दे रिटेन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो नोबिलिटी थी दैट वाज रूलिंग वन। उसके बाद ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जमींदारी खरीदी गई। जमींदार मैक्सिमम कौन बने? नए नोबल और पुराने नोबल और मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स और ये सब बने। तो इसीलिए मैक्सिमम वो होंगे, और नीचे आपके एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में कौन आएंगे? मुस्लिम्स आएंगे। Now it is it clear or not? बोलिए, is it clear or not, my dear? Yes, sir. So my point is कि कर्जन जानता था कि गलत कर रहा है, लेकिन वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे। अब आप कह सकते हो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़काना चाहते थे, एंटी नेशनलिस्ट आइडियाज। ठीक है जी, तो प्लान यही था जो मैंने आपको बोला कि बंगाल फाइनली क्या बन जाएगा? मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। कैसे दिखाई दे रहा है भाई? हाँ रोहित। यस सर। कोमल दिखाई दे रहा है? सब ठीक चल रहा है? यस सर। थैंक यू। तो मुस्लिम मेजॉरिटी, हाँ बंगाल ही तो रहेगा मुस्लिम मेजॉरिटी, कंप्लीट बंगाल है, ओनली ईस्ट बंगाल ही तो मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगा सर, वेस्ट में तो माइनॉरिटी में रहेंगे। कैसे रहेंगे? वेस्ट में रहने दे माइनॉरिटी, लेकिन अगर तू बंगाल एक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो तो हो गया मुस्लिम, लेकिन वो हो गए तेरे 15 मिलियन और ये रह गए तेरे बंगाली 12 मिलियन। तो बंगाल में माइनॉरिटी कौन हो गया? बंगाली। yes. और ओवरऑल बंगाल में मेजॉरिटी किसकी है? ओवरऑल मेजॉरिटी किसकी हो गई? मुस्लिम्स की नहीं होगी।
भाई 12 मिलियन हिंदू हो गए, यस मेरी बात समझो ना, 15 मिलियन मुसलमान हो गए भाई, 12 मिलियन हिंदू हो गए। आपने बंगाली स्पीकिंग लोगों को भी माइनॉरिटी कर दिया बंगाल में, क्यों कर दिया? क्योंकि बंगाली स्पीकिंग जो है वो मान लो टोटल बंगाली स्पीकिंग हो गए 19 मिलियन, टोटल बंगाली स्पीकिंग है, और हिंदी स्पीकिंग और उड़िया कितने हैं तेरे? 35 मिलियन। अब बोलो क्या करोगे? हिंदुओं के अलावा भी तो वेस्ट बंगाल में मुसलमान रह जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एक भी हिंदू एक भी मुसलमान। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये पार्टीशन थी स्कीम की, इसको कहा जाता है स्कीम ऑफ टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। स्कीम ऑफ टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसको, ठीक है जी। तो ईस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल प्लस असम पॉपुलेशन हो गई इसकी अलग से, ठीक है। इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 31 मिलियन, और इसमें क्या क्या आ जाएगा? जगह आ जाएगी आपकी चिट्टगांव, ढाका, राजशाही हिल्स, टिपेरा, उसके अलावा आप कह लो मालदा और आसाम, ठीक है जी। ये हो गया आपका ईस्ट वाला पूरा पार्ट। रेस्ट ऑफ बंगाल में क्या हो गई? हमने कहा 18 या 19 मिलियन तो बंगाली हो गए, प्लस 35 मिलियन के आसपास हम कह रहे हैं दूसरे लोग हो जाएंगे। ये टोटल मिला के क्या बन गए अब आपके? रेस्ट ऑफ द बंगाल। इसकी हो गई आपकी 53 या 54 मिलियन हो गए टोटल, ये हो गए आपके। तो 16 अक्टूबर 1905 डिवीजन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। उस दिन को बनाया गया रक्षाबंधन दिवस। क्या बनाया गया? रक्षाबंधन दिवस। समझ आई जी मेरी बात? यस सर। रक्षाबंधन दिवस बनाया गया, चूल्हे नहीं जले, चूल्हे क्यों नहीं जले? हाँ क्या कह रहे हो? चूल्हे क्यों नहीं जले? कितनी उम्र है तेरी राजीव? हेलो 24 है। जब कोई दुखद या दुखद ऐसा दुखद समाचार होता है जिसमें इंसान को ग्रीफ शो करना पड़ता है तो घर में खाना नहीं बनता, ऐसा ही रक्षाबंधन दिवस। रक्षाबंधन दिवस मेरे को लगा रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि राखियां बांध की मिठाई बांट रहे हैं, वो सॉलिड प्रमोट कर, वो सॉलिडेरिटी है जो इस दीपिका कह रही है ना, भाईचारा वो है ये, ना कि ये है कि एक दूसरे को राखी बांध के पतंग उड़ा रहे हैं और गुलाब जामुन और चमचम खा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी उम्र नहीं है तो समझ नहीं आता है। तो इसीलिए कर्जन और उनके जो साथी थे उनका ये था ग्रॉस मिसकैलकुलेशन। क्या था? ग्रॉस मिसकैलकुलेशन था ये। वो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड तो कर ही देंगे, एक तो लॉयर को नुकसान होगा क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट जो हैं ईस्ट बंगाल में पहुंच जाएंगे, पहली बात। दूसरा ट्रेडर्स को नुकसान होगा क्योंकि एक दूसरा पोर्ट बन जाएगा ढाका।
अल्टरनेट पोर्ट हो जाएगा। तीसरा, सर्विसेज को नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारी नौकरियां जो है वो ढाका में निकलेंगी अब। चौथा, जमींदारी को नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारा जमींदारी एरिया ढाका में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ब्रिटिश ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, दैट वॉज द ग्रेट पार्टिसिपेशन बाय द मासेस, और जो उसकी इंटेंसिटी थी इसको मना करने की, वो उन्होंने कभी भी सोची नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। उन्होंने सोचा था जैसे प्रेयर होंगी, पिटिशंस होंगी, डेलीगेशंस जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन जिस अथॉरिटेरियन और पेटर्नलिस्टिक रूल की बात ब्रिटिश कर रहा था, उस रूल को ऐसा झटका लगेगा ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे मैंने कहा, जगदीश चंद्र बोस जी, विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय के जमाने से लगा लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने हिला दिया। तो इसीलिए पहले जो मूवमेंट चली वो चली मॉडरेट्स के अंदर में। किसके में चली? मॉडरेट्स के अंदर में चली। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Am I audible to all of you? Yes, sir. All right, sir. Yes, sir. तो moderates के अंडर में पहले movement चलेगी। कब से चलेगी? December 2003 में, जब हमने कहा कि पहली बार ये बात उठी, बाहर आई, तब से moderates शुरू हो जाएंगे, petition देंगे, request करेंगे। अब कौन कौन थे वो moderate? जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, क्या? अरे रोहित। हाँ जी सर जी। पुरानी जो किताब है ना बिपिन चंद्रा वाली, हाँ जी सर जी, उसके अंदर ना के मित्रा की मैगजीन का फोटो दे रखा है, संजीवनी मैगजीन का। ओके सर जी। वो फोटो जो है मैडम को दे दियो कैप्शन। ठीक है सर जी। तो संजीवनी मैगजीन में पहली बार के मित्रा ने बॉयकॉट का जिक्र किया था, बॉयकॉट सजेशन उसका था। ठीक है, ऐसे ही थे नरेंद्र कुमार सेन। तो ये सब लोग जो हैं प्रेयर कर रहे थे कि भाई, प्रे करते थे कि भाई मान जाइए मान जाइए। पृथ्वी चंद्र रे, पृथ्वी चंद्र रे मॉडरेट का फिर भी था, मॉडरेट का सोचते थे ब्रिटिश की मान जाएंगे, अक्कल आएगी, समझाएंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब कर्जन ने जुलाई 2005 में, जो मैंने अभी आपको बताया, 2005 कि 1905? 1905 सर। 1905। हाँ, तो कर्जन ने जब ये बताया पार्टीजन बंगाल होगा ही होगा, तब जो है ये मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ होने लग जाएगी, तब पता लग जाएगा भाई कि कुछ ना होने वाला। इसीलिए अब जगह जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट होंगी। कहां कहां पे? जगह के नाम भी याद कर लो, बैरीसाल, ढाका, फरीदपुर, बीरभूम, जसोर, मिदनापुर। जंगल में कौन बैठा हुआ है? मिदनापुर। और भी बहुत सारी जगह होंगी बंगाल के आसपास जहां पर ये सारी चीजें फैल जाए। यहां मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया, वी विल बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। इसीलिए 7 अगस्त 1905 को क्या शुरू हुई? स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, फॉर्मली अनाउंस हुई। कहां से शुरू हुई है? ये हुई आपके कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है जी।
डेमोन्स्ट्रेशन कैरी किया गया, नेशनल लीडर्स ऑफ बंगाल सामने आए और मूवमेंट का एक डेफिनेट लीडरशिप भी आया। इसी मूवमेंट में पहली बार डिसाइड किया गया भैया हम क्या करेंगे, बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास करेंगे और हम जो है नमक और कपड़ों का हम त्याग करेंगे। इस पार्टीशन से और ज्यादा जोश मिला 16 अक्टूबर 1905 का, प्रोटेस्ट मीटिंग सब जगह होने लगी, सारे बंगाल में होने लगी। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन बढ़ गया। इससे लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन बढ़ गया और बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी ह्यूजली सक्सेसफुल हुआ, लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने यात्राएं निकाली, वंदे मातरम गूंजने लगा और साथ साथ में क्या गूंजने लगा, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला नेशनल एंथम भी है बांग्लादेश का ये। और जैसा मैंने कहा रक्षाबंधन दिवस बनाया गया ताकि बंगाली यूनिटी रहे। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी एक लीडर थे, उन्होंने जो है क्या किया, आरंधन, जैसा अभी मैंने बताया आरंधन, जो हमने कहा था चूल्हा नहीं जलेगा उसको क्या कहा जाता है, आरंधन। पैसे इकट्ठे किए गए, मतलब कंट्रीब्यूशन लिया गया। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ बंगाल में ही हो रहा था कि भारत में और जगह भी हो रहा था? भारत में और जगह भी इसकी ज्वालाएं फैल गई। तो बॉम्बे महाराष्ट्र में कौन आगे रहेगा, तिलक जी रहेंगे आगे, पुणे में और महाराष्ट्र में तिलक जी रहेंगे। तिलक का जो केसरी अखबार था और मराठा था, केसरी मराठी में था वो हिंदी में भी छपेगा और बंगाल में भी उसको सर्कुलेट किया जाएगा। बंगाल में जो है गणपति फेस्टिवल में मनाया जाएगा और शिवाजी महोत्सव भी मनाया जाएगा बंगाल, समझे। ऐसे नॉर्थ इंडिया में लाल लाजपत राय और अजीत सिंह ये दोनों शुरू करेंगे। दिल्ली में कौन होंगे, सैयद हैदर रजा। मद्रास में कौन होंगे, चिदंबरम पिल्लई जिनका नाम हमने कल किया था। इसी तरह से बाकी जगह पह जाएगा, रावलपिंडी, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, कानपुर एंड सो ऑन, सब जगह चीजें फैल जाएंगी, ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा 1905 में, उसमें गोखले साहब होंगे। और गोखले साहब जो है इशू लेगा, कांग्रेस इशू लेगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इशू लेगी वो, और बोथ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वो इस बात को सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे, स्वदेशी और बॉयकॉट को, मॉडरेट भी और एक्सट्रीमिस्ट भी, दोनों चाहते थे। लेकिन अब दोनों के उसमें जो है मतभेद होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे करके पार्टीशन ऑफ बंगाल का अपोजिशन किया जाए, पार्टीशन बंगाल का अपोजिशन कैसे किया जाए। स्वदेशी और बॉयकॉट तो ठीक है भाई, तो वो चाहते थे, वो कौन, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट को हम जो है बंगाल से बाहर भी ले जाएं, हम उसे बंगाल से बाहर ले जाएं और साथ साथ में हम उसको
सिर्फ बॉयकॉट ऑफ क्लोथ्स पे ना रखें, हम उसको बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल काउंसिल्स, यू नो म्युनिसिपैलिटीज, और गवर्नमेंट सर्विसेज सब जगह ले जाना चाहते हैं। यानी वही जो मैंने कल आपको बताया था, पैसिव रेजिस्टेंस। अरविंद घोष ने इनको क्या नाम दिया, टेक्निक्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, टेक्निक्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब लेकिन 1905 में तो स्प्लिट बच गया, स्प्लिट वॉज अवॉइडेड। हाउ स्प्लिट वॉज अवॉइडेड, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों पार्टीज के बीच में कि भाई चलो ठीक है, पार्टीजन ऑफ बंगाल को कंडम कर दिया, रिएक्शनरी पॉलिसी जो थी कर्जन की उनको रिजेक्ट कर दिया, और बॉयकॉट और स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन का समर्थन कर दिया। ठीक है जी। लेकिन 1906 में जब दोबारा सेशन होगा कलकत्ता में, तब फिर से मुद्दे उठेंगे यही चारों, चार रेजोल्यूशन थे, बॉयकॉट, स्वदेशी, स्वदेशी, स्वराज, नेशनल एजुकेशन। पंगा किसमें आएगा बताओ जरा, किसके इंटरप्रिटेशन में पंगा आएगा बोलो। स्वराज सर, स्वराज क्या होता है पंगा बताइए। यस सर, पंगा ये आएगा कि स्वराज की डेफिनेशन क्या हो। हर किसी की इंडिविजुअल डेफिनेशन देने हैं, वही तो स्वराज को लेके उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे सर की, क्योंकि हर किसी का स्वराज अलग था डेफिनेशन, हर किसी का स्वराज भी अलग है। और दूसरा, दे वांटेड कि भाई अभी क्लैरिटी नहीं थी, वन वांटेड टू गो लिटिल एग्रेसिव, और एक ग्रुप जाना चाहता है थोड़ा सा स्लो, एक चाहता है कि सिर्फ बंगाल में रखा जाए, एक चाहता है पैन इंडिया बन जाए। इसीलिए दोनों में फर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों में फर्क आ जाएगा। आप समझे मेरी बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे इसको आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें 1907 तक चलती चली जाएंगी, जो हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं। छह में तो चीज बच गई, लेकिन सात में सूरत में स्प्लिट हो ही जाएगा, सूरत सेशन में, क्योंकि वहां पर भी जो है ठीक से चीजों को नहीं रखा जाएगा। सूरत सेशन 1907 में होगा, वेन्यू चेंज कर दिया जाएगा एक्चुअली में। लेकिन हम अगर कहें, तुम मुझे सब लोग मिलके एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नाम बताओ। बताओ कोमल, रोहित, सचिन, राजीव, दीपिका, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नाम। स्वदेशी मूवमेंट सर इज आल्सो एंटी पार्टीशन मूवमेंट सर। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट जो हो रही है भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट ही सर। ये भी नहीं, मुझे एक नाम बताना है कि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नाम है, ये भी नहीं बताना है, मुझे सिंपल बताना है यही। अगर आपको लगता है कि स्वदेशी मूवमेंट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, तो बोलो आप स्वदेशी इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, या फिर आप स्वदेशी मूवमेंट सर एंटी पार्टीशन मूवमेंट सर। हाँ, स्वदेशी एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर जो है, अब आप हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जब आ जाएंगे ना,
तो इसकी टोन भी थोड़ी सी एग्रेसिव और रिलीजियस हो जाएगी। इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट के खत्म होने से पहले पहले कम्युनल राइट्स भी होंगे, कम्युनल राइट्स विल आल्सो टेक प्लेस। इसी 1906 के दौरान मुस्लिम लीग भी फॉर्म होगी, जब लॉर्ड मिंटो को शिमला में नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका मिलने जाएंगे। तो इसलिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप की। जब लीडरशिप आ जाएगी मूवमेंट की एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में, तो वो जो है बॉयकॉट को फॉरेन गुड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सारी जगह पहुंचा देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचा देंगे, म्यूनसिपैलिटीज में, गवर्नमेंट्स में, लॉ कोर्ट्स में, सब जगह जो है वो इसको फैलाने की बात करेंगे। तो वो एक तरीके से क्या कहेंगे, इसको नॉन कॉपरेशन है। एक तरीके से क्या है, ये नॉन कॉपरेशन है। सो एलिमेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन आर देयर इन स्वदेशी मूवमेंट, और साथ में इसको क्या कहा जाएगा, पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाएगा। साथ में इसको पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट विल क्वेश्चन द फैक्ट दैट हाउ कुड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैन कंटिन्यू। वो कहेंगे कि जब भारत का चौकीदार, भारत का क्लर्क, भारत का टीचर, भारत का मुंशी, भारत का सब कोई रिजाइन कर देंगे सरकारी नौकरी से, तो वो जो है फिर ब्रिटिश भारत में कैसे रूल कर पाएंगे, हम भी जानना चाहते हैं। तो पीसफुल रेजिस्टेंस कर रहे हैं, पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इन चीजों को प्रमोट कौन कर रहा है, जैसे मैंने आपको क्या कहा, इसकी जो प्रमोट करने के अरविंद घोष, अरविंद घोष ने आर्टिकल लिखे, सीरीज ऑफ आर्टिकल, एक मैगजीन थी वंदे मातरम, उसमें लिखे। और उन्होंने क्या बताया उसके अंदर, उन्होंने किया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेलेंटलेस बॉयकॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड रेलेंटलेस बॉयकॉट। और जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड रेलेंटलेस बॉयकॉट होगा, इसके बाद हम क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस। उसी का नेक्स्ट प्रूफ क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेंटलेस बॉयकॉट। रिलेंटलेस आ रहे हैं कि डंडा कर दो, लगातार करेंगे, लगातार निरंतर दिन रात छोड़ेंगे नहीं। रिलेंटलेस ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, और रिलेंटलेस तरीके से अगर पढ़ाई भी कोई करता है तो सक्सेस उसको भी मिलती है। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज तरीके से और रिलेंटलेस तरीके से बॉयकॉट करेंगे। इससे क्या होगा, देश का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चारों तरफ जो है ब्रिटिश के खिलाफ एक आवाज गूंजेगी, हर आदमी इंस्पायर होकर उसकी उकरने में आएगा। ठीक है जी, तो सारे जो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल जो इंट्रोड्यूस किए थे एक्सट्रीमिस्ट ने, जैसे बॉयकॉट हो गया या बाकी, सब बहुत सक्सेसफुल हुए। बर्निंग ऑफ पार्लियामेंट सक्सेसफुल हुआ, पिकेटिंग का मतलब होता है जाओ दुकान के बाहर खड़े हो जाओ और लोगों को रिक्वेस्ट करो भाई दारू मत खरीदो, पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स, मना करना है पोलाइटली। तो 10 को मना करोगे शायद 2 तो मान जाए। औरतों ने जो है, वुमेन ने जो है फॉरन बैंगल पहनने से मना कर दिया, फॉरन कपड़े पहनने से मना कर दिया, इवन फॉरन क्लोथ्स का पूरा बायकॉट हो गया। प्रीस्ट्स, जो प्रीस्ट होते हैं मंदिर में, उन्होंने जो है फॉरन गुड्स को ऑफरिंग लेना बंद कर दिए। तो एक्सट्रीमिस्ट के स्वराज और इन सारी बातों को उठाने से बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई। इवन द प्रोमिस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल, जिसके लिए मूवमेंट हो रही है, ये भी बैकग्राउंड में चला गया स्वराज के आगे आने से। ये अब सेकेंडरी मुद्दा हो गया यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। प्राइमरी क्या बन गया, न्यू प्राइमरी नेशनल गोल बन गया स्वराज।
प्राइमरी नेशनल गोल क्या बन गया, स्वराज बन गया। बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत, बोलो जी। नो सर। तो प्राइमरी नेशनल गोल क्या बन गया, स्वराज बन। अब ये सब चीजें अगर हम बोलें तो तरह तरह की मैगजीन्स हैं, तरह तरह के वो हैं, जैसे न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, अब एग्जाम पूछ लेगा न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम तो मैंने बता ही दिया, और बिंदु घोष, युगांतर, युगांतर एक मैगजीन थी तो उसके कौन है, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है जी। ऐसी एक मैगजीन है संध्या, ब्रह्मानंद देव उपाध्याय, तो एक्सट्रीमिस्ट का प्रोग्राम क्या है, बॉयकॉट, स्वदेशी, और स्वदेशी में अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो स्वदेशी में क्या हो रहा है, स्वदेशी में आप इंडिजिनस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडिजिनस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंडिजिनस गुड्स अगर हम बोलें तो चरखा, खादी, उसके बाद जो है सेल्फ रिलायंस जिसे हम कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है आत्मशक्ति, मैंने कल भी बताया था आपको, आत्मशक्ति का मतलब क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और नेशनल डिग्निटी, नेशनल डिग्निटी। अब आप कैसे करोगे, वो अपने पैसे से अपनी फैक्ट्रीज, अपने पैसे से अपनी इन्वेंशंस, अपनी इन्वेंशंस अपने देश के लिए, तो यानी कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी हो गया, क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। एजुकेशन देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे, ठीक है जी। अब इकॉनमी में भी स्वदेशी आ गई तो क्या हुआ, जैसे मोहिनी मिल्स, कैलकाटा पॉटरीज, नेशनल टेनरी, टेनरी यानी लेदर का काम, सोप एंड मैच मेकिंग फैक्ट्री, ऐसे ही आचार्य पीसी रे, इन्होंने क्या बनाया, बंगाल केमिकल वर्क्स। ऐसे ही कल्चर में कल्चर में स्वदेशी हम बोल रहे हैं तो यानी लिटरेचर, ट्रेडिशनल फोक थिएटर, जैसे यात्रा, बंगाली फोक म्यूजिक,
ठीक है जी, सच एज पल्ली गीत, जारी गान, ऐसे ही क्या लिखा गया एनसीईआरटी में भी कई नाम मेंशन है ये, अगर आप देखेंगे तो ठाकुर मार झूली, ठाकुर मार झूली, ओके, यानी कि जो हमारी दादा दादी की कहानियां होती हैं, किसने मदद की इन चीजों में, दक्षिण दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार, ऐसे ही रोल आया अभिनेंद्रनाथ टैगोर का, अभिनेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहां से इंस्पिरेशन ली, मुगल, राजपूत और आप कह लो अजंता पेंटिंग से। तिलक ने जैसे मैंने कहा आपको गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को पॉपुलराइज किया, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस पोएट थे, उसके अलावा पोएट हैं रजनीकांत सेन। तो यूपीएससी अगर एचसीएस या कोई भी जो क्वेश्चन देगा वो एक नहीं देगा, स्वदेशी मूवमेंट के एलिमेंट्स आएंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। द्विजेंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल रे, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यानी पॉलिटिकल आइडियाज पूरे नीचे तक पहुंच गए। ऐसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कार्लाइल सर्कुलर बच्चों के लिए छोड़ा गया कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप ले ली जाएगी, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर आप ज्वाइन करोगे स्वदेशी मूवमेंट तो आपको कल को डिग्री नहीं मिलेगी, इसको कहा गया कार्लाइल सर्कुलर, CARLYLE कार्लाइल सर्कुलर, यानी एजुकेशन में स्वदेशी एजुकेशन में अगर पार्टिसिपेट किया तो नुकसान होगा। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वर्नाकुलर यानी बंगाली और लोकल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, कैसे की, उन्होंने बनाया बंगाल टेक्निकल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल कॉलेज जो बाद में बन गया आपका जाधवपुर यूनिवर्सिटी बना हुआ आज की डेट में, ऐसे ही आपका बनाया गया नेशनल कॉलेज काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ताकि हमारी एजुकेशन इंडियन एजुकेशन को सोशल साइंटिफिक पॉलिटिकल कल्चरल और इकोनॉमिक जो इंडिया के हिसाब से जो बेस्ट है उसकी दिशा में उसको मोड़ा जा सके। ऐसे ही शांति निकेतन की स्थापना हुई, तो अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने एक बनाई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम आए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आके इंडियन इन्फ्लुएंस से हम चीजों को आगे करें, क्लासिकल जिसको हम कहते हैं वो रूट्स और वैल्यूज को हम आगे लेके आए। तो उनकी पेंटिंग्स को क्या कहा गया, भाई आप तो रिवाइवलिस्ट हो, रिवाइव कर रहे हो आप, यानी कि आप तो भारत के ग्लोरीफाई हुई ग्लोरी वाला चीजें लेके आ रहे हो, लेकिन वो चीजें भी जरूरी थी कुछ ना कुछ, तो इसलिए स्वदेशी वैल्यूज आ गई आर्ट में, ठीक है जी। तो क्या बनाएंगे, वो गणेश बनाएंगे, शिव जी बनाएंगे, मुगल रूल भी दिखाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, वो पार्वती बनाएंगे,
तो इंडियन सोसाइटी ऑफ का काम को इंडियन विलेज लाइफ को इंडियन क्लासिसिज्म को भारत के उसको ऊंचा दिखाना, ऐसे ही और क्या बनेगा, वॉलेंट्री, बहुत सारे वॉलेंट्री कोर बनेंगे, वॉलेंट्री कोर बनेंगे बहुत सारे, यानी समितियां बनेंगी बहुत सारी, समिति। अब समिति क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगी, जैसे जैसे डॉन सोसाइटी DAWN, ऐसी डॉन मैगजीन भी थी, डॉन डॉन सोसाइटी, डॉन मैगजीन, डॉन सोसाइटी थी तो याद नहीं आ रहा अभी, देखते हैं। ऐसी एक थी एंटी सर्कुलर सोसाइटी, जो कार्नेल सर्कुलर था उसके अगेंस्ट एक सोसाइटी बनी, उसको कहा गया एंटी सर्कुलर सोसाइटी। ऐसे ही एक बनी आपकी अनुशीलन समिति, क्या बनी, अनुशीलन समिति, लेकिन सारी की सारी पीसफुल नहीं है। जैसे एक अनुशीलन ढाका समिति बनी, अनुशीलन ढाका समिति, ये किसके अंदर में थी, पुलिन दास, ये अंडरग्राउंड थी और रिवोल्यूशनरी थी, लेकिन सबसे फेमस जो हुई, सबसे इंपॉर्टेंट जो हुई, वो थी स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति। ये कौन चला रहे हैं, अश्विनी कुमार दत्त, एके दत्त साहब इसको फेमस कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अनुशीलन समिति से रिपीट कर दो, आवाज फट गया था आपका। ओके, अनुशीलन समिति जो है वो पीसफुल है, लेकिन अनुशीलन ढाका समिति जो है दैट इज अंडर पुलिन दास, एंड पुलिन दास वाज अ रिवोल्यूशनरी, सो दिस वाज अ रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। बट स्वदेशी बांधव समिति वाज द मोस्ट फेमस वन। स्वदेशी बांधव समिति इज प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव वर्क, इट इज अंडर ए टीचर कॉल्ड अश्विनी कुमार दत्त, ही वाज अ टीचर एट बैरिसाल, he was a teacher at Barisal, Barisal is the name of place, so it was having more than 150 branches to promote these constructive and to promote these meaningful activities. Samitis will go to village, they will do fairy, pure village mein ghumenge, yatra karenge, swadeshi gaane gaayenge, swadeshi natak karenge, logon ko jagayenge, physical and moral training denge, kabaddi hogi, vyayam hoga, folk singers gaayenge, jaise folk singer mein agar hum do naam likhe to Mukund Das, मुकुंद दास, फिर एक आपके थे भूषण दास, फिर एक आपके थे मुफिजुद्दीन बायती, मुफिजुद्दीन बायती, तो अश्विनी कुमार दत्त, मुकुंद दास, मुकुंद दास भी एक बैले प्लेयर हैं, बैले यानी फोक प्लेयर हैं, और उन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाया। तो यानी कि हम अगर ट्रेंड की बात करें, एग्जामिनेशन बोलता है भाई ट्रेंड क्या है, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो एक ट्रेंड हो गया, एक ट्रेंड हो गया आपका एक ट्रेंड हो गया मॉडरेट्स का, एक ट्रेंड हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी का, एक ट्रेंड हो गया आपका मिलिटेंट नेशनलिस्ट का, ठीक है, ये ट्रेंड है ये। तो जी अगर हम कहें वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया, किया, यूथ ने पार्टिसिपेशन किया, किया, मर्चेंट ने पार्टिसिपेशन किया, किया, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन किया, किया, क्या पीजेंट्स ने बहुत भर भर के पार्टिसिपेशन किया, नहीं किया, क्या लोअर क्लास ने पार्टिसिपेशन किया, किया, क्या वर्कर्स ने पार्टिसिपेशन किया, किया, बिल्कुल किया। तो वर्कर्स की अगर हम बात करें तो वर्कर ने क्या किया, वर्कर में कौन कौन थे, तीन चार नाम थे मैं बता देता हूं, अश्विनी कुमार बनर्जी, ठीक है जी, प्रभात कुसुम रॉय चौधरी, अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम रॉय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष,
सबके नाम एक साथ ही आएंगे एग्जाम में और पूछेंगे ये कौन थे, तो आपको फट से पता लग जाएगा पीटी में कि ये सारे वर्कर यूनियन के थे। तो इन्होंने 1905 में सबसे पहले क्या बनाई, बॉयकॉट की बात की इन्होंने 1905 में सबसे पहले वर्कर्स के लिए, और उन्होंने एक यूनियन बनाई जिसका था प्रिंटर यूनियंस नाम था, जिसका नाम था प्रिंटर्स यूनियन। ठीक है ना, प्रिंटर्स यूनियन इनका, प्रिंटर्स यूनियन इन्होंने बनाई, और रेलवे मैंस यूनियन भी बनाई गई एक। ठीक है, एक बनी आपकी इंडियन मिल हैंड्स यूनियन, ये कहां बनी थी, बजबज में, बजबज हमने पहले भी बात की थी। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो पेजेंट्स तो इतने नहीं है, वर्कर्स हैं, लोअर क्लास पेजेंट्स मुस्लिम्स भी हैं, वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो कम ज्वाइन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा एट द एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट जब थोड़ी 1905-6 तक आ जाएगी तो इसका हो जाएगा जी आपका राइट्स भी हो जाएंगे, उधर से जो है आपका प्रेशर आने लग जाएगा किस चीज का, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का प्रेशर आने लग जाएगा। 1909 में जो मॉर्ले रिफॉर्म मॉन्टी रिफॉर्म्स आने वाले हैं तो ब्रिटिश जो है वो मॉडरेट्स को लॉलीपॉप दे देगा, तो इसलिए मॉडरेट्स हो जाएंगे ढीले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के कारण। एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर अरविंदो घोष को जेल में डाल दिया जाएगा पकड़ के, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और ये सारी चीजों में, जिसमें सीआर दास भी मदद करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस होगा, कॉन्फ्रेंसेस के अगेंस्ट जो है वो अटैक किए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस जो होंगे उन पर अटैक होंगे। 1907 में जैसा मैंने पहले बताया था लाजपत राय प्लस अजीत सिंह दोनों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन छूट जाएंगे अजीत सिंह और लाजपत राय छूट जाएंगे। बंगाल के बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग अश्विनी कुमार दत्त कृष्ण कुमार मित्रा इनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 1908 में हमने पढ़ा था तिलक को मांडले भेज दिया जाएगा, मांडले जेल मांडले। साउथ इंडिया के लीडर्स थे चिदंबरम पिल्ले उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के थे आपके हरी सर्वोत्तम राव उनको भी डाल दिया जाएगा। वीओसी थे वो वीओ चिदंबरम पिल्ले जिनका हमने कल भी नाम पढ़ा था। तो ये सब होने के बावजूद तितर बितर हो जाएगा सब कुछ, कम्युनल राइट्स भी फैल गए, ऑल इंडिया मूवमेंट स्प्रेड हो नहीं पाएगी उस तरीके से, मूवमेंट सब जगह जाएगी। तो ये इंडिया की पहली मास मूवमेंट है, ट्रू। तो क्या ये ऑल इंडिया मास मूवमेंट है, हाँ या ना बताओ, क्या ये ऑल इंडिया मास मूवमेंट है? हेलो, क्या ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया मास मूवमेंट है ये? हाँ, ऑल इंडिया मास मूवमेंट नहीं है, बट सर बंगाल से बाहर जरूर निकल गई सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, बंगाल से बाहर निकल गई। क्या इसमें नए मेथड दिखाई दिए? यस सर दिखे। क्या इसके अंदर एक नए तरीके की ऊर्जा और हिंदू ओवरटोन दिखाई दिया? हिंदू ओवरटोन दिखाई दिया सर, नई तरह की ऊर्जा है, हिंदू ओवरटोन थोड़ा सा रहेगा, दुर्गा माता, दुर्गा माता, भारत माता, ये सब चीजें आ जाएंगी, हो जाएगा ओवरटोन, भवानी मंदिर पैम्पलेट बनेगा, इसीलिए तो मुस्लिम एलियनेशन हो जाएगा। हाँ, और जो आपके पहले से सीक्रेट समिति बन रही है, जैसे अभिनव भारत बनेगा 1904 में, अभिनव भारत और मित्र मेला सावरकर साहब का, जिनका हमने कल भी अभिवादन किया था, कल पूरे भारत में जगह जगह चीजें की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में थे। तो अभिनव भारत और मित्रा ये जो हैं, ये बनेंगे सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे रिवोल्यूशनरीज की, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई बनाएंगे इनको भी। उधर से मैंने जैसे बताया आपको संध्या, एक मैगजीन का नाम था संध्या, युगांतर, युगांतर हमने लिख चुके हैं संध्या, और एक हो गया काल, ये सब भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। उधर से हमने कल ही बात की थी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 1908 में बम फेंक देंगे, 1908 में ही जो है आपके अरविंदो घोष पकड़े जाएंगे, माणिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस कह लो। ये सारी चीजें होने के बाद
मूवमेंट जो है वो थोड़ी जो चाहिए था वो तो आया नहीं, इधर से 1907 में सूरत स्प्लिट भी हो जाएगा। तो कुल मिला के मूवमेंट को अपना रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, मूवमेंट को अपना रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? हेलो, मूवमेंट को अपना रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? मूवमेंट गॉट इट्स ऑब्जेक्टिव और नॉट, से यस और नो। हेलो हेलो, मूवमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव मिला सचिन जी कि नहीं मिला? सर मूवमेंट लोगों को एक नई ऊर्जा देने में कामयाब रही। ठीक है, उसके अलावा मूवमेंट के कारण जो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि वो कम्युनल पोलराइजेशन कर पाएंगे, वो बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया कि लोग इकट्ठे हो गए बजाय कि सेपरेट होने के। तो इसमें तो हम कह सकते हैं मिला, लेकिन एट द एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा दबा दिया इसे, तो फिर वो एक बार तो अपने पीक पर था लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल भी हुआ। और फिर अब क्या कहें इसे कि अपने रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, मिले लेकिन लास्ट में सर डाउनफॉल दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिले, सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी। और आगे के लिए जो है ये, अभी हम जो अगले मुद्दे पे जो हम बात करेंगे वो मुद्दा आगे ये होगा कि भाई सूरत स्प्लिट जो हुई और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज क्या हुई उसको जुड़ जाएगा इससे। तो आप नहीं कह सकते कि इसको इसका रिजल्ट मिला। मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टार्टिंग में तो बंगाल, अरे स्टार्टिंग में वही था, वही था उसका बंगाल यूनिफिकेशन ही गोल था। वो मिला नहीं मिला सर 1911 में जाके? अरे वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, वो मूवमेंट से थोड़ा ना हुआ, वो तो ब्रिटिश ने किया है। इनोवेटिव टेक्निक्स यूज की इन्होंने, इनोवेटिव टेक्निक्स, रिवाइवलिस्ट अप्रोच दिखाई दे रही है सर। पर इनोवेटिव भी तो किया है यार बहुत सारी, ज्यादा भी इंडिया के नेगेटिव मत हुआ कर, ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है सर। मॉडर्न आइडियाज इतने नहीं दिखाई दे रहे, रिवाइवलिस्ट अप्रोच थी वो। रिवाइवलिस्ट हम देख सकते हैं कि उससे हम इंडिपेंडेंस या फिर स्वराज की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक कि उसमें मॉडर्न आइडियाज ऐड ना हो जाए। तो लैक ऑफ मॉडर्न आइडियाज सर इसमें है, थोड़े से हैं लेकिन ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी प्रशंसा करनी है भाई, पहली बार कर रहे हैं, नया सोशल बेस पहली बार जुड़ रहा है, जमींदार लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, औरतें पहली बार जुड़ रही हैं, मिडिल क्लास पहली बार जुड़ रहा है, सब कुछ तो पहली बार भी हो रहा है। थोड़ा अच्छा भी तो देखना पड़ेगा हिंदुस्तान के एंगल से, क्या करें। आप कह तो ठीक रहे हो, स्वदेशी भी हुआ है, दुकानें भी खुली हैं, फैक्ट्री भी खुली है, साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुई है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी हुई। आपके आरडी बनर्जी साहब थे, राखल दास बनर्जी, ये भी जुड़े हुए थे इससे, आरडी बनर्जी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले हैं, अक्षय कुमार मित्रा वो भी जुड़े हुए थे। तो थोड़ा अच्छा भी तो बोलो, एग्जाम इतना नेगेटिव नहीं चाहता, आप ये मत लिखिए। जब कोई बोलेगा ना क्रिटिकली असेस तब लिखना, तब दो लाइन आप लिख सकते हो, ये उसके अलावा लिखने का फायदा ऐसा नहीं है। हाँ तो जैसा एग्जाम, जैसा जैसा स्वदेशी मूवमेंट का क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, वैसे क्वेश्चन देने हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे हम कि सूरत स्प्लिट क्यों हुई और जो प्रेसिडेंटशिप थी उसके कारण क्यों हुई और सूरत स्प्लिट का इम्पैक्ट क्या हुआ। और साथ साथ में हम 1915 तक का पूरा पकड़ लेते हैं इसमें कि भाई जो है आपकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो क्या थी, वो क्यों थी, वो कैसे हुई, वो क्या हुई? ये इसके बाद नेक्स्ट एक जो है इसकी स्टेज आ जाती है। पर स्वदेशी मूवमेंट में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, पीटी और मेंस में। पीटी में तो खैर चार फैक्ट आप और भी देख सकते हो, लेकिन ये किसकी आवाज थी? और मैंने आपको एक मेन एनालिसिस दे दिया है, तौर पे एनालिसिस दे दिया। और कोई हो तो इसमें मुझसे आप पूछो, मुझे बताओ। बताओ, हेलो। हाँ जी सर, इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स था उनका ऑफिशियली तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, बट हम उसको देखते हैं कि वो कम्युनल डिवीजन था कि जो बांग्ला भाषी मेजोरिटी थे उनको ही वहां पे माइनोरिटीज कर दिया गया, कम्युनल डिवीजन दिखाई देता। लेकिन सर इसको फिर अगर एग्जाम में हमें लिखना हो तो फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम में अगर हम देखना चाहें कि इंडिया के अदर रीजन में जैसे कि कांग्रेस कैसे देखेगी इसे या फिर अदर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल इंडिया, इनपे मतलब इम्पैक्ट क्या थे इसके,
उन्होंने किस तरह से देखा इसे, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड या फिर आपके ब्रेक हो रही है आवाज, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो आप सर, दोबारा बोलिए। हेलो एम आई ऑडिबल सर? यू आर ऑडिबल, ऑडिबल बताइए। हाँ बोलिए सर, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे क्या गया डिवीजन था, बंगाल डिवीजन था, लेकिन देखो क्वेश्चन अगर ये, मैं समझ गया क्वेश्चन, अगर ये पूछता है कि व्हाई बंगाल वाज, व्हाई ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड बंगाल, तो आप हमारे वाले एंगल लिखोगे। ओके सर, कि ब्रिटिश इसलिए डिवाइड करना चाहता था और बहाना किसका था, एडमिनिस्ट्रेशन, बस एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे। तो सर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम देखते हैं कि अदर जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया सर एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड। हाँ क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे तो सर हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी स्टेट्स को डिवाइड किया गया सर, कि हम लिंग्विस्टिक डिवीजन था ना एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हम भी चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि भाषा एक ही भाषा वाले दो राज्य बन जाएं, हमने भाषा के बेस पे डिवाइड किया है। लिंग्विस्टिक डिवीजन इंडिया में भी है, कांग्रेस भी बोल रही थी बंगाल को अलग डिवाइड कर दो, लेकिन बंगाल को करो, तुमने बंगाल को ही दो भागों में डिवाइड कर दिया और बिहारी और उड़िया जोड़ दिया उसके साथ, ये थोड़ा ना चाहिए था। अब बात समझ में आई? हेलो बट सर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉइंट दे ही सकते हैं वो कि नहीं दे सकते वो, बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करना था लेकिन लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड नहीं करना था, लैंग्वेज के बेस पे नहीं करना था। ओके सर, तो क्रिटिसिज्म इसका सर ये कि जो लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करो। ओके हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप बंगाली में डिवाइड करते लेकिन बंगाली को एक तो रखते, ठीक है। ओके सर और बताइए, और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? और अगर सर बंगाली विभाजन के हमें बेनिफिट्स बताने हो सर? बेनिफिट नहीं हो सकते बंगाली विभाजन के सर, बेनिफिट तो दिखाई देते हैं सर, नहीं हो सकते सर ऑन इंडियन। अरे बंगाली विभाजन के बेनिफिट नहीं, आप ये बोलो नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मूवमेंट को कैसे उसने उजागर किया वो दिख जाए सर, वही कहते उसमें था सर नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्योंकि इसके बाद दिखने लगते तो फिर उसमें क्या कह सकते हैं कि जो शांत पड़ा था माहौल उसको कहीं ना कहीं कहना ही पड़ेगा, मिलने का काम करा इसने बंगाल विभाजन, कहना ही पड़ेगा। इससे पहले तो वरना सर जो मॉडरेट्स थे वो दिखाई देते हैं हमें, लेकिन आफ्टर बंगाल विभाजन जो एक्सट्रीमिस्ट थे रिवोल्यूशनरी थे इनका प्रभाव ज्यादा होना शुरू हो जाता सर। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और बताइए, और बोलिए, हेलो हेलो हेलो। यस सर। अरे कहाँ चले गए सब यार, आवाज ही नहीं आ रही आज तो, पता नहीं क्या दिक्कत है। पता नहीं सर मुझे तो बता के तो कोई गया नहीं सर। कोई डाउट? मुझे नहीं है सर, बाकी सबसे पूछ। राहुल जी, रोहित जी, दीपिका जी? नो डाउट सर। तो रोहित जी? हाँ जी सर। नई वाली एनसीईआरटी मैंने बोला था यार पहुंच जाए वहां तक, दसवीं सॉरी बारहवीं की सर आपने कहा था जो सर अभी मैं आज का दिन और तो कल सर बुखार कमजोर बहुत है, आज भी तबीयत ऐसी डाउन है सर, बड़ा जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है यार सर, वो सर्दी जुकाम हो गया ना सर, मौसम चेंज हो गया सर। तो ऐसा है ना, हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो अभी बात हो रही थी कि भाई बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट का मतलब ये है। हाँ रोहित बोलो। नो सर, नो सर। तो नेशनलिज्म में जो बेनिफिट है ना वो तो देखना ही है भाई मूवमेंट का। यूपीएससी पहले बड़ा क्वेश्चन देता था स्वदेशी मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दो, अब वो सीधा पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट में वर्कर बताओ, स्वदेशी मूवमेंट में
कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी बताओ, स्वदेशी मूवमेंट में नेशनल एजुकेशन बताओ, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो है तुम मॉडरेट का रोल बताओ, स्वदेशी मूवमेंट में तुम एक्सट्रीमिस्ट का रोल बताओ, स्वदेशी मूवमेंट में तुम समितिज बताओ, ऐसे आएगा। सर एक क्वेश्चन था, क्या जो बंगाल विभाजन था ये आपदा ना रहकर ये नेशनलिस्ट के लिए एक अवसर बन गया था सर? सब बहुत बढ़िया, वाह बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला, ये आंसर में लिखा जाता है ऐसे, वाह ये तरीका है आंसर लिखने का। सर ये मेरी लैंग्वेज नहीं, ये मोदी जी की लैंग्वेज है, वो पेंडेमिक को लेकर कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाओ, ठीक है। ना ना आपने अच्छा बोला, मैं आप लोग ऐसे ही दिखा जाता है, मोदी जी की हो किसी की हो, हमें तो आंसर में लिखना है, ठीक है। हाँ जी यस सर। सर क्वेश्चन था सर मेरा ये आपसे, बोलो ये कि क्या ये जो था ये ट्रेजरी हुई थी, ट्रेजरी ना रहकर सर एक वो अपॉर्चुनिटी बन गई थी? बिल्कुल बन गई थी, बिल्कुल बन गई थी। और इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखेंगे सर? तो यही सब लिखोगे कि इसके बाद देखो, उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को आइडिया मिला, नॉन कोऑपरेशन के एलिमेंट भी हैं इसमें, रिकॉर्ड का जो एलिमेंट स्वदेशी मूवमेंट में है वो पूरे भारत के नेशनल मूवमेंट में हमेशा आए थे, तो स्वदेशी मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए चिंगारी बन गई, सब कुछ है इसमें, इसमें रिवोल्यूशनरी भी है, इसमें मॉडरेट भी है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी है, इसमें पीसफुल भी है, इसमें वुमेन भी है, इसमें वर्कर भी है, इसमें पेजेंट भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें वो कम्युनलिज्म के गुण भी हैं जिनको हमें हटाना है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो, और कोई डाउट? हेलो, तो मैं ये चाहता हूँ इसको दोबारा पढ़ लो, आज तो यार आवाज का भी बड़ा पंगा है, मैं ठीक है, कल हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक कम से कम ठीक से फिनिश हो गया, ठीक है जी। सर आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे जो मींस की आईएएस वगैरह की तैयारी करके फिर वहां भी बोर हो गए हो, फिर देखते कि कुछ और करते? नहीं नहीं अभी तो ऐसे जरूर हैं, ऐसे से मैं आपको मिलवा सकता हूं जो एसपी लेवल पे हैं या आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सर्विसेज में हैं, ऐसे नया बोर हो गए जो नहीं कि चलो पॉलिटिक्स ट्राई करते? नहीं इतना आसान नहीं है सचिन जी, करेंगे वो 10-20 साल की, 20 साल की सर्विस के बाद करेंगे, 10 और 15 साल की सर्विस वाले स्टूडेंट है मेरे, आपके गुड़गांव का जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी अपने स्टूडेंट है, कभी जाके उसको, कभी उससे रिक्वेस्ट करो कि सर हमें मिलना है, तो मिल भी लेगा मेरे ख्याल से वो, अगर निशांत यादव ही है सर। हाँ निशांत, यस गर्ग के बाद निशांत यादव ही है। मैं निशांत यादव की बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है। तो अभी पॉलिटिक्स तो बाद की बात है, पहले ये करते हैं, ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी करिए, फिर शुरू करिए आज, ये इसको फिनिश कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं कल। राइटिंग में क्या लिखना था जो आप कह रहे हो कि क्वेश्चन? राइटिंग में जैसे मैंने जो हमने बातें हुई जो आपकी समझ में आए, एक पैराग्राफ बना के अपनी मर्जी से लिख दो, माय लर्निंग फ्रॉम माय टुडेज इंटरेक्शन। ओके ठीक है। रोहित जी, दीपिका जी, कुलदीप जी, राहुल जी, सचिन जी भी थे, कोमल भी थी, सब पता नहीं कहाँ चले गए, लिख दीजिए और दीजिए मैडम को, ठीक है। हेलो, ऑल द बेस्ट। ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। हां यू टू माय डियर, टेक केयर। ओके बाय बाय।